मॉर्निंग से अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, हम लोग 8:45 को उठे थे, तो अभी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, 9 बजे आ जाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बना के खा लेंगे। अनिर्वन कुछ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो? पानी नहीं पिया सुबह से? नहीं पानी पिए इसको लेके। ना छोटो बोतल नहीं जाबो, अब कत बड़ो कैरी करा जाए ना, दाड़ाओ। इतना पतझड़ हुआ है, रास्ते भी इतना ज़्यादा वो सूखे पत्ते हैं ना, तो अनिर्वन बोल रहा है कि देख के लग रहा है स्विट्जरलैंड आ गए। मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का लाइट वर्जन, लाइट स्विट्जरलैंड लाइट। तो ये जो जगह है ना, इसमें हाईवे नहीं पर बहुत ही लंबा सा लेन रहता है, और थोड़ा सा पेड़ पौधे है, ज़्यादा बड़ा सा छाव भी रहता है, और लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, एक दो गाड़ी जो है ना क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो थोड़ा सा मास्क को डाउन करके हम चैन से, एक्चुअली आफिल है तो चलने में थोड़ा तकलीफ है, हाँ, इसलिए लोग ज़्यादा आता भी नहीं है, हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं तो मुश्किल होता है मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ना, वॉकिंग के टाइम पे मास्क लगाना सही नहीं है वैसे, पर क्या करें, कोरोना के लिए करना पड़ रहा है। हम तो निकले थे अंडा लेने के लिए, ब्रेकफास्ट में मैं अंडा और ब्रेड बनाऊंगी, पर इडली देख के ना मन आ गया इसमें। क्या है कि बहुत दिनों से हम लोग इडली नहीं खाए हैं, ऑलमोस्ट 5 साल हो गया, 5 साल 5 मंथ हो गया। एक इडली छू के देखो, एक बार इसको टेस्ट करो। घर में आप जितना भी कोशिश कर ली इतना साफ नहीं होता, ये जाटना के हम कहते ना, देना एक प्लेट देना, हाँ चटनी है। अब चटनी ये वाला दे, ये ना ना ओइटा একটু নাও চাটনি দেখো। तो घर आ गए हैं हम लोग, फिश खरीद के, इतना बड़ा सा एक फिश था आपको पता है, मतलब मैं बोल रही थी कि ये बार इतना बड़ा फिश खाएगा कौन, मतलब वो 10-15 पीस केजी का फिश होगा, अरे उसको देख के मुझे ऐसा, उतना बड़ा फिश एकदम बुरा लगता है खाने में। तो मैं लेके आई हूँ प्रॉन्स, थोड़ा सा प्रॉन्स करी बनाऊंगी और थोड़ा रख दूंगी पत्ता गोभी के साथ, नेक्स्ट डे को बनाऊंगी। फिलहाल थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ, दाल है, दाल ना बहुत मुश्किल से 2 लोगों के लिए बनता है, मेरा कभी भी 2 लोगों के लिए दाल नहीं बनता है, एटलीस्ट 4, मतलब आज खाएंगे कल खाएंगे या तो आज शाम को रात को खाएंगे ऐसे करके। और 2 पीस चिकन भी रह गया है, हाँ कल तो हमने कुछ खाया ही नहीं ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि रात को मैं तड़का बना दूंगी, वो चिकन के साथ तड़का बहुत अच्छा लगता है खाने में। बंद हो गया,
हो गया है। ये मेरा फेवरेट डिश है, ये है कचुम्बर सलाद। कुछ नहीं, सब चीज़ों को ऐसे राफली चॉप करके थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने नींबू का जूस डाला है। और ये है स्पेशल एक प्रॉन करी, कुछ स्पेशल नहीं है यार, बस मजाक कर रही हूँ, नॉर्मल सा प्रॉन करी। और दाल, दाल था मेरा। और ये है कर्ड, कर्ड तो खाना ही पड़ेगा हैदराबाद में इस वेदर में। कोर्स कर रही हूँ तो उसका भी एक क्लासेस है मेरा 9:30 बजे को। तो मैंने सोचा है कि मैं ये तौरकाट दाल जो होता है ना, पानी गिरा दिया, तौरकाट दाल मैंने भिगो के रखा है। और ये थोड़ा सा बचा हुआ चिकन है कल रात की, तो चिकन तौरका बनाऊंगी। और अभी मैं बनाती हूँ बॉम्बे वाला सैंडविच, आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा है, 11:15 आया, थोड़ा सा फास्ट है। सो मेरा डिनर भी रेडी हो गया है। ये रहा मेरा डिनर, चिकन और एक डाल के तड़का और रोटी, जो ज़्यादा खास नहीं बनता है। मम्मी ने ना मेरा हैबिट ही ख़राब कर दिया है, मुझे अभी रोटी बनाना अच्छे से नहीं आ रहा है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसा लगता है। सो चलो, 8 बज गया है और अनिर्वन अभी भी नहीं उठा है। उठो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह उठ के मेरा फर्स्ट काम ये रहता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी, उसका हल्का सा प्रिपरेशन लेके हम लोग वॉकिंग करने जाएंगे। तो वॉकिंग करने जाने में ना ऑनेस्टली एवरी डे 8:15 हो जाता है, मुझे लगता है इसको और 1.5 घंटा आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हैबिट जो बन गया है ना कि देर से उठते हैं हम लोग, लाइक 8:30 को, वही आजकल कोशिश कर रहे हैं 7:45 को उठने की। धीरे धीरे करके हम लोग उसको और भी आगे लेके आएंगे। पर क्या होता है कि रात को ना अनिर्वाण का बहुत देर तक मीटिंग चलता है, लाइक कल तो 12:30 तक पिन कर रहे थे, तो उसी लिए सोते सोते 1 बज जाता है। और अभी ऐसा ही सिस्टम बन गया है कि ना कि 1 बजे से पहले नींद भी नहीं आता है, तो इसीलिए सुबह को भी उठना मुश्किल हो जाता है। सो मैंने ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लिया है। सो इधर आते ही बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गया था, आप लोग ही बोल रहे थे, पर धीरे धीरे करके मेरा स्किन जो है ना वो ठीक हो रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, हम सांस लेते हैं ना नाक के अंदर ऐसा लगता है कुछ सूख रहा है, इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है वेदर। इतना ड्राई पहले नहीं था, पता नहीं हम लोग कोलकाता से आए इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है कि क्या, पता नहीं हम लोगों का तो लाइफ में अभी यही चल रहा है। देखो हमारे लाइफ में तो मतलब हम लोग एक बार दार्जिलिंग गए, उधर पे बहुत काँप रहे थे, फिर कोलकाता आए, फिर डायरेक्ट इधर आ गए। सो मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना। सो चलो इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है, लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं फिर मिलूँगी बंगाली वीडियो में। आज हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं और जाएंगे और मैं भी पार्लर जाऊँगी, तो सारे वीडियोज़ आएगा बंगाली चैनल में। बाय बाय।